सो गाइस यहाँ पे आपको 3 दरवाजे देखने के लिए मिलेंगे। ये पार्क कपल्स में काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा कपल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। देख रहे हो यहाँ पे खुदाई की गई थी ये, और यहाँ पे काफी सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे वीर ज़ारा। फोटोशूट मस्त होंगे यहाँ पे, अगर आप फोटोशूट कराना चाहते हो तो। मंडल और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो ये स्नानघर जहाँ पे रानियाँ नहाती थी। सो दोस्तों मैं आपको ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी पुराने। यहाँ पे है ये म्यूजियम। तो हे गाइस इट्स मी गोम सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं हूँ दिल्ली के पुराने किले में, जो कि काफ़ी पुराना है इसलिए इसका नाम पुराना किला है। तो आज इसमें घूमूंगी और दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यूजियम भी है इसमें, तो देखेंगे कि ये कपल्स के लिए पार्क अच्छा है और या फिर फैमिली के लिए। तो पूरा घूमूंगी और सारी डिटेल भी शेयर करूंगी यहाँ की, तो कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हो सब कुछ डिटेल मिलने वाली है। तो चलते हैं अंदर, वो करते हैं किला एक्सप्लोर। और वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो आ जाओ घुमाते हैं तुम्हें पुराने। सो गाइस ये है पुराने किले का टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हो। उसका प्राइस होने वाला है, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो आपका चार्ज लगेगा 20 रुपीज़। ऑफलाइन टिकट लेते हो तो पुराने किले के साथ आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस है 30 रुपीज़। और फ्राइडे को म्यूजियम बंद रहता है और लास्ट 5 बजे तक आप घूम सकते हो म्यूज़ियम। और पुराने किले की एंट्री होती है सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक, और ये 7 डेज़ ओपन रहता है, कभी भी आप आ सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी टिकट लेके और यहाँ से कर सकते हो आप एंट्री। सो गाइस इसके फ्रंट साइड में ही आपको मिल जाएगी पार्किंग एरिया, तो यहाँ पर आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। चाहे तो आप उधर की साइड भी कर सकते हो जहाँ पर चिड़ियाघर की पार्किंग है, चाहे तो यहाँ पर कर सकते हो। सामने ही टिकट काउंटर है और यहाँ से होती है एंट्री, तब एंट्री करते हैं। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो इसकी लोकेशन है प्रगति मैदान, पुराना किला, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से आप उतर के ऑटो वगैरह लेके यहाँ पे आ सकते हो। सो गाइस ये एंट्री गेट और काफ़ी विशाल दरवाज़ा है, देख सकते हो कितना बड़ा है। तो अभी चलती हूँ और दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा है ये तो भाई। यहाँ पे आपको 3 दरवाजे देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो जिससे मैंने एंट्री की है ये है इसका नाम बड़ा दरवाज़ा। 2 दरवाजे और हैं वो मैं आगे चल के दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं, आ जाओ साथ में घूमते हैं। सो गाइस जैसा कि आप जानते हो कि ये दिल्ली का सबसे पुराना किला में से एक है, और इसलिए इसका नाम पुराना किला है। और माना जाता है कि यहाँ पे पांडवों का राज था, इसलिए इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ भी बताई गई है। इसका प्रमाण नहीं मिले हैं पर कहा जाता है बस। सो गाइस ये पार्क कपल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा कपल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। और फैमिली भी आती है पर कम आती है, कपल्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पीछे। सो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मस्जिद, जिसका नाम है किला कुन्हा मस्जिद।
और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे वीर ज़ारा वगैरह तो यहीं शूट हुई है दिल्ली में। तो देखो काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है भाई, क्लीन है बिल्कुल, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हरियाली देखो सारी जगह ग्रीन ग्रीन, मस्त लग रहा है। फ़ोटोशूट मस्त होएंगे यहाँ पे, अगर आप फ़ोटोशूट कराना चाहते हो तो करा सकते हो यहाँ पे। सो गाइस ये है बावली, और जो भी यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे उनके पीने का पानी यहीं से लिया जाता था, यहाँ पर भर के देख सकते हो। नीचे पानी भी है, एक अग्रसेन की बावली है, एक यहाँ पे पुराने किले में बावली है। सो गाइस आप ये बिल्डिंग देख रहे हो जो यहाँ पे हुमायूं की मौत हुई थी, तो चलते आगे से दिखाती हूँ मैं। सो गाइस इसका नाम है शेर मंडल, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, और हुमायूं ने यहाँ पे जब कब्ज़ा कर लिया था तो यहाँ पे लाइब्रेरी के रूप में इसे चेंज कर दिया था, और जब वो किताबें लेके सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसकी वहाँ से फिसल के मृत्यु हो गई। सो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो ये स्नान घर जहाँ पे रानियाँ नहाती थी, तो अभी चलते हैं और मैं अभी देखती हूँ कैसे नहाती थी रानियाँ, हम भी तो देखें लिए इस दुनिया। सो गाइस ये स्नान घर जहाँ पे रानियाँ नहाती थी, तो फिलहाल अभी ये अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो बंद है, तो यहीं से मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं पूरा दिखाती हूँ अंदर जाके कैसा स्नान घर है। फिलहाल के लिए इतना ही, नहीं तक देख सकते हो आप। सो गाइस ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे खुदाई की गई थी ये जानने के लिए कि ये जगह पांडव से रिलेटेड है या नहीं, कि नहीं, पर ऐसा प्रमाण कुछ नहीं मिला यहाँ पे। हालांकि कुछ बर्तन मिले थे पर पांडवकालीन नहीं है, उस ज़माने के नहीं है, तो अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। सो गाइस ये अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको, ये सेकंड दरवाज़ा है जिसका नाम है हुमायूं दरवाज़ा, तो ये काफ़ी अब टूटा फूटा हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना है ये। और इस साइड आप देख सकते हो यहाँ पे लेजर शो के लिए भी लगाए हुए हैं, फिलहाल ये कुछ टाइम के लिए बंद किया हुआ है क्योंकि बारिश वगैरह है, और आपको यहाँ पे पूरा लेजर शो यहाँ देखने को मिलेगा अगर हम इन फ्यूचर आते हो तो। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, थर्ड दरवाजे की तरफ चलते हैं। सो गाइस आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाएंगे अंदर, और लास्ट में इसके पानी भी है, पानी भी पी सकते हो वहाँ पे, पानी की भी सुविधा है, और एक आगे भी है, दो जगह है यहाँ पे, वो भी मैं दिखा दूँगी। सो गाइस आप पीछे देख रहे हो ये है थर्ड दरवाज़ा जिसका नाम है तलाकी दरवाज़ा, और इसके लिए एक ख़ास बात है वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी, तो फिलहाल चलते हैं आगे, चलो घूमते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी पुराने किले में, जल्दी आओ जल्दी। भाई ओ माय गॉड ऐसी जगह, अबे वाह देखो कितनी भाई नेक्स्ट लेवल, देखो किसी ने भी नहीं दिखाई होगी आपको, आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी जल्दी।
सो गाइज इस किले की खास बात यह है कि ये किला ना मनहूस किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले पे जिसने भी शासन करना चाहा या तो उसकी मृत्यु हो गई और या वो इस किले को छोड़ के चला गया। तो गाइस यहाँ पे देखो मोमबत्ती, आई लव यू अनिल, राज भाई साहब, लव बर्ड्स भी आते हैं यहाँ पे नाम लिखने अपने, उनकी शादी वादी होती है ये नहीं पता, पर ये देख सकते हो पुराना किला कुछ ज़्यादा ही पुराना है, बिल्कुल टूटा फूटा हो रखा है अब तो। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे दरवाजे बनाए हुए हैं, शायद यहाँ पे कोई रहता होगा पहले, अब बिल्कुल बंद किए हुए हैं ताला। तो गाइस यहाँ पे ऊपर भी जा सकते होंगे, पहले इन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल, सीढ़ी भी नहीं है इधर तो। और ये सारे देख सकते हो काफ़ी सारे दरवाजे देखने के लिए मिलेंगे आगे तक, बहुत सारे में दरवाजे हैं यहाँ पे, ये सारे कमरे हैं पुराने ज़माने के। तो गाइस पुराने किले में आपको देखने के लिए मिलेंगे शाही दरवाजे, देखो कितने सारे दरवाजे हैं, जिधर देखोगे दरवाजे ही दरवाजे, देखो कितना मस्त लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे है ये म्यूजियम, पुराने किले का म्यूजियम है, तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं बाहर से दिखा रही हूँ, तो आप अंदर जाके देख सकते हो पुरानी चीज़ों के बारे में, काफ़ी बड़ा है यहाँ तक। सो गाइज फाइनली मैं आ चुकी हूँ पुराने किले से बाहर, और मैंने दिखा दिया आपको कैसा कैसा किला है अंदर से, कितना पुराना है उसके बारे में भी बता दिया जितना मुझे पता था, और जितना आपको पता है आप बता सकते हो कमेंट में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस पुराने किले के बिल्कुल साइड में आपको लेक भी मिल जाएगी, जो कि पुराने किले की लेक है, तो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो अलग से टिकट लेनी पड़ेगी 15 या 20 रुपये की, और बोटिंग वगैरह इसमें नहीं होती, बस लेक है, बैठ सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। और यहाँ से इसकी एंट्री है,